दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही चैनल सोशल पे। दोस्तों बताना चाहें कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है ईपीएस 95 के हवाले, जो कि ईपीएफओ से निकल के आ रही है। आपको बता दें कि सिर्फ ईपीएस 95 के अलावा, सिर्फ ईपीएस 95 की बात नहीं है यहाँ पर, ईपीएफओ ने ज़्यादा पेंशन देने वाले फैसले के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला लिया गया है कि सभी पेंशनर्स को अब ज़्यादा पेंशन मिलेगा, उसके ऊपर ईपीएफओ बता दें आपको कि ज़्यादा पेंशन देने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट सेक्टर के सभी कर्मचारियों के पेंशन में भारी बढ़त का रास्ता साफ कर दिया है, लेकिन लगता है कि ईपीएफओ इस मामले में हार मानने को तैयार नहीं है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार याचिका जो है दाखिल करने की तैयारी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट सेक्टर के सभी कर्मचारियों के पेंशन में भारी बढ़ोतरी का रास्ता साफ कर दिया है। इससे निजी क्षेत्र में कर्मचारियों के पेंशन में कई गुना बढ़त होने की उम्मीद की जा रही है। हाईकोर्ट ने इस मामले में ईपीएफओ की याचिका को खारिज करते हुए केरल हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, लेकिन लगता है कि ईपीएफओ इस मामले में हार मानने को तैयार नहीं है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें गत 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ईपीएफओ की याचिका को खारिज करते हुए केरल हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। केरल हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को उनकी पूरी सैलरी के हिसाब से पेंशन देने के आदेश दिया गया था। फिलहाल ईपीएफओ द्वारा 15,000 रुपये की बेसिक वेतन पर जो है आधार पर पेंशन की गणना की जाती है। इसके बाद आपको बता दें हालिया जो समय घटनाक्रम बीती है उसमें गौरतलब है कि कर्मचारियों की बेसिक वेतन का 12% हिस्सा पीएफ में जाता है और करीब 12% उनके नाम से नियोक्ता जमा करता है। कंपनी की 12% हिस्सेदारी में 8.33% हिस्सा जो होता है पेंशन फंड में जाता है और बाकी 3.66% पीएफ में जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में निजी कर्मचारियों के पेंशन की गणना पूरे वेतन के आधार पर होगी। इससे कर्मचारियों को कई गुना बढ़ा हुआ पेंशन मिलने का अनुमान था। ईपीएफ पेंशन या ईपीएस एक पेंशन स्कीम है जिसके तहत प्राइवेट सेक्टर में संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के नौकरी के दौरान बेसिक सैलरी के 8.33% यानी 1,250 रुपये मासिक से ज़्यादा नहीं के बराबर पैसा इस स्कीम में जमा होता है। इसके एवज में कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद निश्चित मासिक पेंशन प्रदान करती है। केरल हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को अपनी पूरी सैलरी के हिसाब से पेंशन देने का आदेश दिया है। फिलहाल ईपीएफओ द्वारा 15,000 रुपये की बेसिक जो है वेतन पर इस सीमा की गणना की जाती है। अब ईपीएफओ फिर से केरल हाईकोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार याचिका के लिए कोर्ट में पुनर्विचार याचिका जो है दाखिल करने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि कुछ न्यूज़पेपर के हवाले ये जो खबर निकल के आ रही है इसके मुताबिक ईपीएफओ के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि कर्मचारी पेंशन स्कीम यानी ईपीएस में फिलहाल हो रहा मासिक योगदान सीमित है और यह ज़्यादा पेंशन देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ज़्यादा पेंशन देने के लिए ईपीएफओ द्वारा ही आर्थिक बोझ काफ़ी जो है ईपीएफओ के ऊपर काफ़ी आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। भारत सरकार का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ही सभी कर्मचारियों के ईपीएफ और पेंशन खाते को मैनेज करता है। हर ऐसे संस्था जहां पर 20 या 20 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं उसे ईपीएफ में हिस्सा लेना होता है। ईपीएस इस योजना के साथ जुड़कर चलती है, इसलिए ईपीएफ स्कीम का मेंबर बनने वाला हर शख्स पेंशन स्कीम का मेंबर अपने आप बन जाता है। अगर बात की जाए ईपीएफ या ईपीएस में ऐसे कर्मचारियों का अंशदान जमा होना अनिवार्य है जिनका बेसिक जो है वेतन प्लस डीए 15,000 रुपये या उससे अधिक होता है। जो कर्मचारी इससे अधिक बेसिक सैलरी पाते हैं उनके पास ईपीएफ और ईपीएस को यह छोड़ने का विकल्प होता है। आपके पीएफ खाते में नियोक्ता जो पैसा डालता है उसका एक हिस्सा पेंशन स्कीम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जबकि पूरी सैलरी जो पैसा काटता है वो पूरा ईपीएस स्कीम के तहत जो है चला जाता है। तो आपको बता दें कि ये जो अपडेट निकल के आ रही है ये लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट, जिससे ये पता लग रहा है कि ईपीएफओ जो है किसी भी प्रकार से पीछे हटने के विचार में नहीं दिख रही है। पुनर्विचार याचिका डालने की
जो है ईपीएफओ द्वारा प्रयास जो है सतत रूप से जारी है। तो दोस्तों ये एक अपडेट निकल के आई थी ईपीएस 95 पेंशनर्स के हवाले और ईपीएफओ के हवाले, बड़ी अपडेट था। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी, राय अपने कमेंट में दीजिएगा। फिर नए किसी अपडेट के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।